फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल फैशन स्टाइल एंड ग्लैमर। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। इस वीडियो में मैं शेयर करूंगी आपके साथ में लेटेस्ट स्लिट कुर्तीज के डिजाइन। साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे कि अगर आप अपने लिए स्लिट कुर्तीज बनवाना चाहते हैं तो आपको कौन कौन सी चीजें अवॉइड करनी चाहिए, कौन कौन से ऐसे टिप्स हैं जो कि आपको फॉलो करने चाहिए जिससे कि आप दिखें ट्रेंडी एंड स्टाइलिश। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो मेक श्योर उसको लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए एंड साइड में बने हुए बेल बटन को हिट करना ना भूलें जिससे कि आपको मेरे अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। सभी गर्ल्स चाहती हैं कि वे फैशन के साथ अपडेट रहें और कुछ ऐसा वेयर करें जो कि ट्रेंडी और स्मार्ट हो। कुर्ती भी आजकल काफी ट्रेंड एंड फैशन में है और खासतौर पर गर्ल्स के ऊपर में ये काफी ज्यादा स्टाइलिश एंड एलिगेंट लुक प्रोवाइड करती हैं। आप भी फैशन के साथ में अपडेट रहना चाहती हैं तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि आपको किस तरीके की स्लिट कुर्ती अपने लिए बनवानी चाहिए जो कि आजकल इन ट्रेंड है। आपको ये जानना भी बहुत जरूरी है कि ऐसी कौन कौन सी चीजें जो कि आपको स्लिट कुर्ती में अवॉइड करनी है, तो चलिए देखते हैं क्या अवॉइड करना है। फर्स्टली, सबसे पहले आपको अवॉइड करनी है शॉर्ट लेंथ वाली स्लिट कुर्तीज, क्योंकि आजकल शॉर्ट लेंथ वाली कुर्तीज इन ट्रेंड नहीं है। सेकेंडली, आपको अवॉइड करनी है वो कुर्तीज जिनमें एक से ज्यादा स्लिट हो। अगर आप भी अपने लिए स्लिट कुर्ती बनवाने की सोच रही हैं तो आपको बनवानी है सिंगल स्लिट कुर्ती, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। आजकल लॉन्ग लेंथ में सिंगल स्लिट वाली कुर्तीज काफी ट्रेंड में है। सेकेंडली, आपको लॉन्ग स्लिट कुर्तीज बनवानी है, शॉर्ट स्लिट कुर्तीज को आपको बिल्कुल अवॉइड करना है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस तरीके की स्लिट कुर्तीज आपको हेल्प करेंगे प्रोवाइड करने में एक स्टाइलिश एंड अट्रैक्टिव लुक। स्लिट कुर्तीज को आप पेयर कर सकते हैं डेनिम्स के साथ, लेगिंग्स के साथ, प्लाजोस के साथ, इसके अलावा ट्राउजर्स के साथ में भी। बट आपको ध्यान ये रखना है कि जो आपका कुर्ती का फैब्रिक है और जो आपके बॉटम वेयर का फैब्रिक है वो दोनों अलग अलग होना चाहिए। सिंगल फैब्रिक अगर आप यूज करेंगे तो उसमें आपकी कुर्ती का लुक नहीं आएगा। स्लिट कुर्तीज को डिफरेंट कलर के बॉटम्स के साथ में वेयर कर सकते हैं, खासकर रेड, ब्लैक एंड व्हाइट ऐसे कलर्स हैं जिनके साथ में आप किसी भी कलर के स्लिट कुर्ती को वेयर कर सकते हैं। आपको ध्यान ये रखना है कि आपके बॉटम वेयर और आपकी कुर्ती का कलर डिफर होना चाहिए। अगर आपके बॉटम वेयर का कलर लाइट है तो आपकी कुर्ती का कलर डार्क होना चाहिए, और अगर आपका बॉटम वेयर का कलर डार्क है तो आपकी कुर्ती का कलर लाइट होना चाहिए। अगर आप सेम कलर का अपर एंड बॉटम वेयर करेंगे तो आपका ओवरऑल लुक उतना अच्छा नहीं आएगा। इसके अलावा आप डेनिम्स के साथ में भी अपने स्लिट कुर्तीज को वेयर कर सकते हैं, वो भी काफी अच्छा ऑप्शन है। खासकर शॉर्ट हाइटेड गर्ल्स के लिए स्लिट कुर्ती विद डेनिम्स एक काफी अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि स्लिट कुर्तीज आपको हेल्प करती हैं आपकी हाइट को लंबा दिखाने में। आपको ध्यान ये रखना है कि जो आपके स्लिट हो वो हाई स्लिट हो, आपको लो स्लिट कुर्तीज नहीं वेयर करनी है। अगर आपकी हाइट छोटी है तो आप कोशिश करिए कि आप हाइट स्लिट कुर्तीज पिक करें। साथ ही साथ जो आपका बॉटम वेयर है वो भी हाई वेस्टेड होना चाहिए। अगर आप हाई स्लिट कुर्ती वेयर करते हैं हाई वेस्टेड बॉटम के साथ में तो आपकी लेग्स उसमें काफी लंबी नजर आती हैं, जो कि आपको देता है एक लॉन्गर हाइट का इल्यूजन, जिससे कि ऐसा लगेगा कि आपकी हाइट काफी लंबी है, आपकी हाइट छोटी नहीं लगेगी। आजकल फ्लेयर वाली स्लिट कुर्तीज काफी ज्यादा ट्रेंड में है और खासकर जो गर्ल्स थोड़ी सी प्लस साइज की कैटेगरी में आती हैं या थोड़ी सी फैटी होती हैं, उनके लिए इस तरीके की स्लिट कुर्तीज काफी हेल्पफुल रहती हैं। गर्ल्स वेस्ट पर से थोड़ी हैवी हैं या फिर जिनका टमी फैट ज्यादा है, उन गर्ल्स के लिए फ्लेयर वाली स्लिट कुर्तीज काफी हेल्पफुल रहेंगी प्रोवाइड करने में एक बैलेंस एंड स्टाइलिश लुक। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, फ्लेयर्स की हेल्प से जो आपका एक्स्ट्रा फैट होता है वो आपकी फ्लेयर्स में हाइड हो जाता है। साथ ही साथ अगर आप लॉन्ग कुर्तीज वेयर करती हैं तो वो आपको देती है लॉन्गर होने का इल्यूजन, और जो चीज लंबी दिखती है वो ऑटोमेटिकली स्लिम लगने लग जाती है। साथ ही साथ अगर आप अपने स्लिट कुर्तीज को हाई वेस्टेड जीन्स के साथ में वेयर करती हैं तो आपका जो फैट है वो जीन्स में हाइड हो जाता है, जिससे कि आपको इम्प्रेशन मिलता है स्लिम एंड टॉल होने का। स्लिट कुर्तीज में आप डिफरेंट टाइप्स की स्लिट ले सकते हैं, आप साइड स्लिट कुर्ती बनवा सकते हैं, इसके अलावा सेंटर स्लिट कुर्तीज भी आजकल काफी ट्रेंड में है। इसके अलावा जो फ्रंट बटन पैनल वाली कुर्तीज होती हैं वो भी आजकल काफी ज्यादा ट्रेंड में है, आप उन कुर्तीज को भी ट्राई कर सकते हैं, वो भी आपको हेल्प करती हैं एक लॉन्गर हाइट का इल्यूजन प्रोवाइड करने में। स्ट्रेट लाइन बटन पैनल की हेल्प से एक वर्टिकल लाइन क्रिएट होती है, जिससे कि आपको इम्प्रेशन मिलता है एक लॉन्गर हाइट का, तो आप ये पैटर्न भी फॉलो कर सकते हैं। बटन्स की बात करें तो आप फैब्रिक वाली बटन्स का यूज कर सकते हैं, इसके अलावा जो मार्केट में फैंसी बटन्स मिलती हैं आप वो भी यूज कर सकते हैं अपनी कुर्ती के डिजाइनिंग के लिए।
डेली वेयर के लिए तो स्लिट कुर्ती बेस्ट ऑप्शन है ही। इसके अलावा अगर आप फंक्शंस या पार्टीज के अंदर में वेयर करना चाहते हैं, इन दैट केस भी ये कुर्ती काफ़ी स्टाइलिश और चार्मिंग लुक प्रोवाइड करती हैं। अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं अपने लिए स्लिट कुर्ती बनवाने में, तो ज़रूर ट्राई करिए इस तरीके की स्लिट कुर्तीज, जो कि हेल्प करेंगी आपको क्रिएट करने में एक वर्सटाइल एंड स्टाइलिश लुक। इन कुर्तीज़ को इजीली वेयर कर सकती हैं ऑफिसेज में, कॉलेजेस में और अपने वर्क प्लेसेस पर भी। फ्रेश होने के साथ साथ ये काफ़ी कंफर्टेबल भी रहती हैं, तो आप समर्स के लिए इस तरीके की कुर्तीज़ को ज़रूर एक ट्राई दीजिए। फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो और आपके लिए यूजफुल रही हो। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो मेक श्योर उसको लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी नई वीडियो में नए कंटेंट के साथ में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड कीप स्माइलिंग।